तो दोस्तों अभी अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के खिलाफ हुई है एफआईआर दर्ज। जी हाँ दोस्तों, उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई है बिकॉज उन्होंने जो पैराडाइमिक नॉर्म्स है उनका वायोलेशन करा, उनके रूल्स का उल्लंघन करा, उनको माना नहीं। चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सिनेस्पीक्स और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जैन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, बागी 2 के फेमस एक्टर्स टाइगर श्रॉफ एंड दिशा पटानी, जो कि आप कह सकते हैं रिलेशनशिप में भी हैं, उन दोनों को दोपहर के 2 बजे के बाद मुंबई में घूमता हुआ पाया गया। जी हाँ, बांद्रा के एरिया में उन्हें घूमता हुआ पाया गया, जहां पे पुलिस ने उनको रोका और उनपे केस दर्ज करा गया फॉर वायोलेटिंग दी पैनोरामिक नॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम पुलिस काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, वो नहीं देख रही है कि कौन सेलिब्रिटी है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, पर अगर कोई भी वायोलेशन करेगा उन नॉर्म्स का तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह बागी 2 के फेमस एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के ऊपर भी एफआईआर फाइल हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब उनसे एक वैलिड रीजन पूछा गया तो उन्होंने एक रीजन नहीं दिया कि जिससे लाइक वो अपने प्रूफ में बोल सके। जी हाँ दोस्तों, इस चक्कर में उनकी अब केस दर्ज हो गया है। ANI ट्विटर में आते हैं एंड वो रिवेल करते हैं, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट एक्टर्स टाइगर श्रॉफ एंड दिशा पटानी एंड अदर्स फॉर वायोलेटिंग COVID-19 रिस्ट्रिक्शन मुंबई पुलिस। द ट्वीट ऑल्सो मेंशन दैट द एक्टर वट फाउंड रोमिंग एट बैंड स्टैंड प्रोमेंडे एंड कुडंट गिव वैलिड रीजन टू पुलिस फॉर बी आउट ऑफ देयर होम्स आफ्टर 2 PM। जी हाँ दोस्तों, वो कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाई कि वो 2 बजे के बाद सड़क में क्यों घूम रहे हैं, बिकॉज इस टाइम आप जानते हैं कि सेकेंड वेव चल रही है कोविड पैनाडेमिक की, एंड जिसकी वजह से इस टाइम पूरा भारत इतना परेशान है, बट स्टिल लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, लोग घर पे नहीं रह रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो इसी दौरान टाइगर श्रॉफ एंड दिशा पटानी के ऊपर FIR फाइल अगेंस्ट हो गई है। आगे जानते हैं क्या होता है, क्या FIR को ढीला छोड़ दिया जाएगा या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।